हाँ मैडम, अब तो फिल्मों में भी पुलिस टाइम पे आने लगी है। अगर आप टाइम पे आती तो ये बेचारी बच भी जाती। अब देखिए ना, उधर आप लेट हुई, इधर इनके नाम के आगे लेट लग गया। बेचारी SHO करिश्मा सिंह से लेट SHO करिश्मा सिंह हो गई, जैसे अब आप होने वाले। इतनी भी जल्दी क्या है भैया? पहले हमको तो अच्छे से खत्म कर लो। बंदूक रखो। तुम भी गन रखो नीचे। रखो। सॉरी करिश्मा सिंह, पहुंचने में देर हो गई। अब ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है मैडम सर, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। और तुम मूसा भैया, क्या चूरन समझे हो पुलिस वालों को अपनी तरह? हाके नहीं हो तुम पुलिस वालों को अभी तक अच्छे से। तुम अपने प्लान की कामयाबी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुमने ये देखा ही नहीं कि हम तुम्हें पहचान चुके हैं और तुम्हें पकड़ने की प्लानिंग तुम्हारी आंखों के सामने ही कर रहे हैं। हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। ये आदमी अर्जुन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये सब एक ट्रैप हो, एक सेटअप हो हमें फंसाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने संतोष और पुष्पा जी से अर्जुन की इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी। आप जानती हैं अर्जुन नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ना ही ये आदमी अर्जुन है और ना ही ये मूसा का अकाउंटेंट है। शायद आपका शक सही है मैडम सर, कि हमको भी ना इसका कुछ कुछ बातें संदिग्ध लगा है। लेकिन हमारे मानने से क्या होगा? हमें चाहिए उसका कन्फेशन। और वो कैसे होगा मैडम सर? एक काम करिए, आप फिलहाल के लिए अर्जुन के साथ आगे जाइए हमें यहाँ छोड़कर, ठीक है? हम पीछे से आएंगे आपके बैकअप के लिए। और जो हथकड़ी पहनाया था ना मैडम सर को, वो भी झूठा था। चाहते तो कंफर्म होते ही कि तुम मूसा हो, तुमको वहीं दबोच लेते हम। लेकिन उससे फायदा क्या होता? जरूरी था सबूत, तुम्हारा कन्फेशन ये बोलते हुए कि तुम ही मूसा हो, जो कि तुमने हमको दे ही दिया है स्पाई कैमरा में। रुक जाइए करिश्मा सिंह, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। जितना डायलॉग बाजी मारा ना तुमने अभी, सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। तुम्हें लग रहा था कि तुम हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन असलियत में धोखा तुम खा रहे थे। तो भैया अब तो तुम समझ ही गए होगे, तुम्हारे जैसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस कुछ भी कर सकती है। यू आर अंडर अरेस्ट। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे, हवा हूं मैं हवा। अगर बाहर आने की कोशिश की तो इस बार गोली सीधा खोपड़ी में पड़ेगी। तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाएगी तुम्हें। पुष्पा जी, समझते क्या हो, समझते क्या हो? हमारी बहू है वो, हमारी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की बहू। कोई छू के तो देखे उसे, तोड़ कर रख देंगे हम, समझे? तोड़कर। क्यों, ठुकाई हो गई ना?
गिरफ्तार कर लो इसको। हवा बनने निकले थे, चलिए हवा निकालते हैं तुम। और आप हाँ अपने आप को बड़ा तोप समझती हैं आप? हाँ, हीरो है, अमृत पी रखा है, जो बार बार मौत के मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गोली है, गोली चलती है ना तो लगती है। पर आपको कि आपके पीछे लल्ला है, हम है, क्यों इतना जी दुखा दिया आप हमारा? कल को आपके चक्कर में हम हार्ट अटैक से मर जाए, इससे अच्छा है कि आप अभी हमारा गला दबाकर हमें मार दीजिए। मार दीजिए हमें, मगर ये रोज रोज का हमें मारना बंद कीजिए भगवान के लिए। पुष्पा जी, लोड काहे ले रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ है हमको, काहे घबराती है इतना? और आप क्या इतनी जल्दी पीछा छुड़वा लीजिएगा हमसे? और वैसे भी ये जो गोलगप्पा वाला ऐसे गोल मटोल सा चेहरा होता है ना, एकदम क्यूट सा, उस पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते, आप पूछ लीजिए से। लगा था इस केस पर दोनों की ड्यूटी लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें ये भी लगा कि अब ये केस हाथ से गया, आप दोनों के आपसी मतभेद इस केस को ले डूबेंगे। लेकिन हसीना मलिक और करिश्मा से आप दोनों ने साबित कर दिया कि भले आप दोनों में कितने ही मतभेद हों, लेकिन जब बात ड्यूटी की आती है ना, तो आप दोनों के जज्बात एक हो जाते हैं। किसी भी हद तक जाकर आप दोनों कानून की हिफाजत करते हैं, पूरी ईमानदारी से आप दोनों अपनी ड्यूटी निभाते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। कुछ डिफरेंसेस है सर, वो हमेशा रहेंगे, पर यहाँ सवाल है बैटिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्राइम पर अंकुश लगाना और उसके जरिए अंडरवर्ल्ड और टेररिस्ट तक जो फंड पहुंच रहा है उसको रोकना, ये बहुत बड़ा समस्या है सर। इसके आगे हमारा पर्सनल समस्या जो है वो बहुत छोटा है। सर, हम हमेशा से मानते आए कि देश से आगे और देश से पहले कुछ भी नहीं, हम भी नहीं। वाह हसीना मलिक, क्या बात कही है, ऐसी बात जो दिल को छू गई। आज तक आप लोग मुझे सैल्यूट करते आए, आज मैं आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं। ये दिल चाहता है। मैडम सर, ये थाने में कुछ फ्री में बट रहा है क्या? हम भी लाइन में लग जाएं? अरे गजब का आदमी है भैया, बताइएगा नहीं कि क्या हुआ। हाँ, तो कैसे केस लिखेंगे? रोना बंद कीजिए, बोलिए तो सही। जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। एक मिनट भैया, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है, आ रहे हैं, लिख लेंगे ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे लोग FIR लिखने आए? बिल्लो बता रहे हैं ना हम। ओके ओके मैडम सर, ये सब लोग FIR लिखवाने आए हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे थाने में जो इतने सारे लोग FIR लिखाने आए? ये लोग अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गए रिपोर्ट लिखवाने? गए थे मैडम सर, लेकिन वहाँ उनका मजाक बना के उन्हें भगा दिया गया, ये बोल के कि ऐसा भी कोई केस होता है क्या? देखिए ना मैडम, ये तब से रोए जा रहा है, हम इसको तब से पूछ भी रहे हैं क्या हुआ है बताओ, तो बता भी नहीं रहा है। बोलता है कि हमको और किसी थाना से उम्मीद है नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको पूरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आया। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया कि कोई भी पुलिस स्टेशन इन्हें सीरियसली नहीं ले रहा? जी तो अब बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या हुआ आप लोगों के साथ? मैडम सर, ये संजय शर्मा है, दिल्ली में रहते हैं, बिल्डर है, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैडम, मेरा नाम संजय शर्मा है। क्या है? संजय शर्मा है, आगे बोलिए। दिल्ली से हूँ। बिल्डर है, ये भी पता है, अब आगे बोलेंगे। मैडम मेरे साथ ना ठगी हुई है। मैडम कल एक आदमी ने मुझे रानी महल भेज दिया। क्या रानी महल? वो शहर के पास जो प्राचीन महल है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है सर, कोई आपको उसे कैसे बेच सकता है? फर्जी पेपर दिखा के। हाँ भैया, आपका भी पेपर देख लिया जाएगा, थोड़ा शांत रहिए ना प्लीज, धीरज रखिए। मैडम बेचा ही नहीं, महल के 1.5 करोड़ ले गया। 1.5 करोड़? वो मोल भाव नहीं किया क्या आपने? मोल भाव करने के बाद 1.5 करोड़। मैडम कल जब मैं महल गया तो वहाँ के सेंटर प्लेस का शाही फुहारा ही गायब था, और मैडम चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो मुझे पता चला कि मुझे किसी ने ठग दिया। और अब आपके साथ क्या हुआ? मैडम आई एम जॉन, कुछ दिनों पहले कनाडा से आया हूँ,
वो शाही फुआरा मुझे बेच दिया 1 लाख रुपये में। नेक्स्ट डे पता चला मेरे साथ चीटिंग हुआ है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, रानी महल और शाही फुआरा? एक मिनट, ये सब हो कैसे सकता है? हो चुका है मैडम सर, और आप इन लोगों के किस्से सुनेंगी ना तो और भी हैरान हो जाएंगे। हाँ हाँ भैया, आपका भी किस्सा सुन लेंगे, थोड़ा शांत रहिए ना। किसी को सरकारी दफ्तर बेचा गया मैडम सर, किसी को होटल, किसी को जहाज, किसी को ट्रेन, किसी को नदी का पानी तक बेचा गया है। मुझे मेरा ही घर बेच दिया। ये लोग कहते हैं वो इतना शातिर है, बात करने में इतना चालाक है वो, कि सुई को भी तलवार बताकर बेचने की काबिलियत रखता है, और पेपर वर्क भी इतना पुख्ता कि इन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये लोग ठगे जा रहे हैं। हाँ मैडम, वो आदमी कुछ भी बेच सकता है, और शब्दों का मायाजाल ऐसे रचता है कि खोपड़ी काम करना बंद कर देती है। आदमी वो ही करता चला जाता है जो वो चाहता है, और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। अमा टोपा हो क्या सबके सब? इतना अकलमंद समझदार इंसान हो और ठग के चक्कर में आ गए हो? नहीं मतलब खुद का अकल, खुद का कोई सही गलत कुछ हिसाब है कि नहीं है? कोई भी चूरन बनाएगा और चूरन बन जाएंगे आप। ट्रेनिंग में हमने इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ाई की थी। ये नॉर्मल फ्रॉड से बहुत अलग तरीके का फ्रॉड होता है। ये ठग एक अलग ही दुनिया बनाकर ऐसे मासूम लोगों को ठग लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें ठग लिया गया है। बहुत ही सोचा समझा और परफेक्ट सेटअप बनाया जाता है, और काम करते ही आदमी हवा की तरह फुर हो जाता है। संतोष शर्मा, स्केच बनाइए। मैं? जिस आदमी ने इन्हें ठगा है उस आदमी का स्केच बनवाइए, स्केच आर्टिस्ट को बुला के। ओके, आप लोग प्लीज जाइए, इनकी मदद करिए। हाँ चलो चलो। भैया उधर कहाँ? चलिए ना, हम है ना, हम लिखते हैं आपका कंप्लेन। आइए चलिए इधर से निकलिए, चलिए 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 भैया, आप लोग चलिए चलिए आराम से आइए। तजुर्बा कहता है हमारा कि अंधेरे में कभी भी कोयला नहीं ढूंढा जाता, और यही है इस फ्रॉड की सबसे अहम कार्यशैली। इस तरह के फ्रॉड कभी भी दुनिया के सामने अपना असली चेहरा नहीं आने देते। हो ना हो, इस एक आदमी ने इन दोनों को अलग अलग रूप में ठगा है, अलग अलग गेटअप में। देखिएगा, अभी हमारे पास दो अलग अलग स्केच आएंगे, लेकिन एक ही आदमी के। आप ठीक कह रही थी मैडम सर, ये दोनों स्केच देख के लग रहा है कि दोनों अलग अलग इंसान के जरिए ठगी के शिकार हुए। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही आदमी है, अलग अलग गेटअप में। मिस्टर जॉन, मिस्टर संजय, आपको उस आदमी के बारे में कोई अलग सी चीज याद है? कोई बात करने का तरीका, कोई अंदाज, या फिर कोई फिजिकल मोमेंट, कुछ भी जो नॉर्मल से थोड़ा अलग हो? अंगूठी। अंगूठी मतलब क्या? हम समझे नहीं अच्छे से, अंगूठी क्या? उनके सीधे हाथ की उंगली में अंगूठी थी। क्या थी? अंगूठी। यस, उस रिंग पर लाइन बना हुआ था। उस वक्त हमें उलझाते वक्त उसने उस रिंग को घुमाया था, ऐसे ऐसे। अब अंगूठी को ऐसे ही घुमाएगा ना, ऐसे थोड़ी घुमाएगा। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। सनी अभी नहीं प्लीज, हम लोग काम कर रहे हैं। मैडम मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ। अब शहर में इतनी ठगी हो रही है तो एक स्टोरी तैयार कर रहा था। अब अगर आपका रोशन ख्याल मिल जाता तो इस गरीब का भला हो जाता। तो कहिए मैडम, क्या कहेंगे आप इन केसेस के बारे में? कहना क्या है, चूहा है मक्खन के टुकड़े खा के बिल में घुस गया, उसको बिल से निकालना है और उसको सबक सिखाना है। हमें इस आदमी को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। आपने नोटिस किया कि जिन लोगों को इसने लूटा है वो कोई राह चलते लोग नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर वो इन लोगों को रानी महल और शाही फव्वारा बेच सकता है तो सोचिए वो कितना शातिर होगा। वो शर्तियां जानता होगा कि हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए बिना सोचे समझे हमें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब आप लोग केस नहीं लेंगे? लेंगे लेंगे। करिश्मा सिंह, हमारी राय में फिलहाल आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए, जल्दबाजी होगी। एक्सक्यूज मी, ये केस कौन सॉल्व करेगा? हाँ एक मिनट भाई साहब, आपको बताते हैं। हमको ऐसे क्यों लग रहा मैडम सर कि आपको इस केस में रुचि नहीं है? अगर ऐसा बात है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ये केस लेने में। आप चाहे तो हमें इस केस का जिम्मा दे सकती हैं। इसका मतलब केस आप ले रही हैं? आप प्लीज शांत रहेंगे। करिश्मा सिंह, शिकारी के पीछे हटने का मतलब शिकार छोड़ देना नहीं होता। कई बार शिकारी दो कदम पीछे हटता है ताकि उसकी पकड़ मजबूत हो सके। निश्चिंत रहिए, इस केस में हमारी दिलचस्पी भी उतनी ही है जितनी आपकी। तो केस आप ले रही? सब सर, दो मिनट प्लीज। मैडम सर, डीएसपी साहब बार बार फोन कर रहे हैं, आपको और करिश्मा मैडम को फंक्शन में जाना था। इसका मतलब आप लोग केस नहीं लेंगे? अब बता रहे हैं ना, बता रहे हैं आपको केस कौन ले रहा है। रुकिए जरा, अब बैठिए बैठिए बैठिए।
चले? चलिए मैडम सर। हम आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। अब तक ये समारोह लखनऊ शहर के सभी पुलिस थानों के सभी पुलिस कर्मियों भाइयों के साथ मिलकर मनाया जाता रहा है, किंतु इस महामारी के कारण हम कुछ ऑफिसर के उपस्थिति में ही ये समारोह मनाने जा रहे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ करते हैं। इस पुरस्कार वितरण समारोह का प्रेस्टीजियस अवार्ड बेस्ट थाना इन द सिटी, और वो थाना है महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और वो ऑफिसर है इस थाने की इंचार्ज SHO हसीना मलिक। सर सर हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? माइक पे। अच्छा कहो कहो। जय हिंद। तजुर्बा कहता है हमारा कि कामयाबी कभी भी किसी एक की नहीं होती, उसके पीछे बहुत से लोगों का साथ होता है, सहयोग होता है, और हमारे थाने की कामयाबी के पीछे है हमारा स्टाफ, हमारी टीम। यह अवार्ड दरअसल इन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने हर हालत में हर कीमत पर अपना धैर्य नहीं छोड़ा, मुश्किल से मुश्किल घड़ी को बहुत अच्छे से हैंडल किया और हमें यहाँ तक लेकर आए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी टीम की बैकबोन को, हमारी टीम की सबसे कर्मठ और समर्पित ऑफिसर को, SHO करिश्मा सिंह। आप सब जानते ही हैं कि हम स्पीच नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम नर्वस या जाते हैं माइक को देखकर। क्या करें, स्ट्रेट इंसान है ना, स्ट्रेट बात बोलते हैं, जो दिल में होता है वो बोल डालते हैं, इसलिए डरते हैं कि हमारा कभी कोई बात किसी को बुरा ना लग जाए। पर आज इस मौके पे ये जरूर कहेंगे कि ये जो मान सम्मान और इज्जत आप लोगों ने हमें दिया है, कोशिश करेंगे कि प्राण देकर भी उसका मान हम रखें और कभी भी इस थाने के स्वाभिमान पर आँच ना आने दें। हम सब जानते हैं तुम्हारे थाने में चीटिंग का केस आया है। अपने लेवल पे जो बन पड़े, जितनी तहकीकात हो सके वो करो, लेकिन ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। पता है पिछले 8 सालों में ऐसे कई केस आए विभिन्न थानों में, जानते हो कुछ हाथ भी नहीं आया, थाने की बदनामी हुई सो अलग। 4 SHO तो मुझे सस्पेंड करने पड़े इस ठगी के केस के चक्कर में। अरे वो सॉल्व भी नहीं कर पाते थे तो हमको जो है सस्पेंड कर देना पड़ता था। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, हसीना मलिक, ये आनंद है। जानती हो 2010 का सबसे होशियार कैंडिडेट, उस साल के सभी एग्जाम में आनंद ने ऑलमोस्ट टॉप किया था। अरे वाह, तो फिर कहाँ है आपकी पोस्टिंग अभी? आपने ठीक से सुना नहीं मिस मलिक, सर ने कहा है कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में मैंने टॉप किया था। फिजिकल में आई साइट 0.1 वीक होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सॉरी, हमें पता नहीं। नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, भाग्य में नहीं था फोर्स में शामिल होना, किसी का क्या दोष इसमें, है ना सर? चलता हूँ सर, मिलता हूँ। ठीक है खुश रहो, अच्छा लड़का है। तो हम क्या कह रहे थे? सर आप वो ठगी के केस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बोलना नहीं किसी को, वो ठग हमको भी एक बार उल्लू बना चुका है, पीतल का एक पुराना बर्तन बेच गया हमको। सर आप पुलिस वाले होकर? अरे भाई पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, आखिर इंसान ही तो है ना। फिर सर फिर क्या किया आपने?
अरे भाई उसका क्या करना था, और उसका कुछ करके अपना मजाक थोड़ी ना बनवाना था। हाँ सर, लेकिन अगर क्राइम होगा तो रिपोर्ट तो होगी, रिपोर्ट होगी तो कार्यवाही होगी, और अगर कार्यवाही होगी तो अपराधी को पकड़ना तो पड़ेगा ना सर। और सर अभी अभी आपने हमें बेस्ट थाना का अवार्ड दिया है, तो इस सम्मान का लाज तो रखना पड़ेगा, और पकड़ना पड़ेगा उस ठग को जिसने आपको भी नहीं छोड़ा। तजुर्बा कहता है हमारा कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस से एक कदम पीछे ही रहता है। हम जानते हैं कि फिलहाल फर्जी कागजात के अलावा हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर कि हम उसे हाथ से जाने दें। कुछ ना कुछ हमारे हाथ आएगा ही जो हमें उस तक पहुंचाएगा जरूर। कब तक छिपेगा सर वो, कभी ना कभी तो उसे सामने आना ही है। संतू जी हमारे साथ फोटो ले लीजिए ना। संतू जी क्या है कि हम अम्मा को भेजेंगे ये वाला फोटो। वाओ, एक तीर से दो शिकार, बहाने बहाने फोटो भेजी जाएगी और फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी, है ना? एक सेकंड, फोटो खींच के अम्मा को भेजने से बात आगे कैसे बढ़ेगी? अमर जड़ बुद्धि क्या हुआ? मुर्पुख पुष्पा जी, बाल बाल। हाँ पता है ना तुम लोगों को करिश्मा मैडम कैसी बाइक चलाती है, तो हम कह रहे थे कि इसकी अम्मा तुम्हारी फोटो देखेगी, तुम्हें पसंद करेगी, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। कौन सी बात, यही तो पूछ रही हूँ। काश हमारा लल्ला इतना समझदार होता और शादी से पहले हमने तस्वीर देख ली होती। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। जय मैडम। जय। हम यही सोच रहे थे कि बाइक पे जो हमारा मैटर चल रहा था उसका कंटिन्यूटी यहाँ मेंटेन कैसे नहीं हुआ। क्या बोल रही थी आप, फोटो देख लिया होता? नहीं देख भी लेती तो क्या हो जाता। संतू जी इन लोगों का तो चलता रहता है ना, हम लोग सेल्फी लेते हैं। आइए लीजिए। थैंक यू संतू जी, थैंक यू वेरी मच। वाओ, अंतिमता तुझे स्वीकार कर ही लिया। स्वीकार किया कि अपराध किया बिलौटे, और तुम्हारी सकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो बे। हम लोग सेल्फी ले रहे थे, अदरक खाना कितनी घटिया भाई यार, चाय बनाई आपने, आपको पता है आपको? हो गया आप सबका। जय मैडम सर, जल्दी जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? कल ही हमारे थाने को बेस्ट थाना का अवार्ड मिला है, और आज आप लोग केस सॉल्व करने की बजाय, कोई क्लू ढूंढने की बजाय, कोई रास्ता निकालने की बजाय इस तरह बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह हम डिपार्टमेंट की उम्मीद पर खरे उतरेंगे? हमारे पास सबूत के नाम पर क्या है? सिर्फ कुछ चंद फर्जी कागज और चेहरे के नाम पर दो आधे अधूरे स्केच, ऐसे केस सॉल्व करेंगे हम? बर्बाद हो गया मैडम, बर्बाद हो गया मैडम, हमारी मदद करिए मैडम। सब कुछ ले गया वो चोर, सब कुछ ले गया, हम तो छीन के मैडम, हमारी मदद करो मैडम। अच्छा अच्छा, आप शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग केस की तफ्तीश जारी रखिए, आप बाल ठीक करिए। हाँ जी मैडम सर। आप चलिए अंदर केबिन में। मैडम हमारा नाम प्रवीण है, हम पेशे से एक डॉक्टर है। कल हमारे पास एक पेशेंट आया, हमको ये देख कर गया। मैडम हमको कहने लगा कि ये नागमणी है, इसको आधी रात में पूरे चांद की रोशनी में रखोगे तो इससे नागिन बाहर निकलेगी और तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। हम पूरी रात इसको हाथ में लेकर बैठे रहे और सोचे कि अभी नागिन निकलेगी हमारी इच्छा पूरी करेगी, अभी नागिन निकलेगी हमारी इच्छा पूरी। पूरी रात निकल गई मैडम, ना नागिन निकली ना हमारी इच्छा पूरी हुई। हमारा टोपा होगा? नहीं मैडम, हम तो डॉक्टर हैं। हाँ डॉक्टर हो तो पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे हो तो इतना नहीं पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो एक मिनट के लिए मान भी लिया कि ऐसा कुछ टोपागिरी होता भी है, तो जब नागमनी से नागिन निकल के बाहर आएगी तो तुम उसको अपना इच्छा बताओगे या फिर अंतिम इच्छा बताओगे? क्योंकि वो बाहर आती तो तुमको डस लेंगे। मैडम हम क्या बताएं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब वो आदमी जो हमको ये कांच का टुकड़ा बेच कर गया ना, इतना स्मार्ट हैंडसम और स्मार्ट टाकर था ना कि हम कब उसके जाल में फंस गए हमको समझ ही नहीं आया। हमारे जैसा ईमानदार पढ़ा लिखा हैंडसम लड़का जब उसके झांसे में आ गया तो समझिए कितना शातिर आदमी होगा वो। मैडम कुछ करिए, हमने बहुत ईमानदारी से पैसा इकट्ठा किया था कि हॉस्पिटल खोलेंगे गरीबों के लिए, लेकिन
सारा पैसा लेके चला गया वो। अच्छा आप प्लीज शांत हो जाइए। एक बात बताइए, ये जो आदमी था क्या उसने लेफ्ट हाथ में कोई अंगूठी पहन रखी थी जिस पर शेर का चेहरा बना हो, जिसे वो इस तरह से घुमा रहा हो? हाँ मैडम, वो बात करते करते ना अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे ऐसे घुमा रहा था वो। घबराइए मत, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ये हमारा वादा है। वैसे तो छोटे बड़े मिलाकर बहुत से मामले इस ठग के खिलाफ हमारे सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल एनालाइज करने के लिए हम तीन अहम किस्से डिस्कस करेंगे, संजय शर्मा, जॉन और डॉक्टर प्रवीण कुमार। संजय शर्मा को गवर्नमेंट की जमीन बेची गई, जॉन को हिस्टोरिकल चीजें बेची गई, लेकिन डॉक्टर प्रवीण को नागमणि जैसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर फंसाया गया। ये आदमी अलग है, होशियार है, ये ना ही सिर्फ नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट है बल्कि शब्द जाल का भी जादूगर है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेन है तो फिर हम पकड़ काहे नहीं रहे हैं, हम जन्म कुंडली काहे निकाल रहे हैं? कोई आइडिया है आपके पास? जी बिल्कुल है मैडम सर, आइडिया ये है कि पहले हमारे पास सिर्फ नकली कागज थे, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब हमारी आंखों के सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट है। किसी ने तो इस कांच के टुकड़े को तराश कर असली दिखने वाले नकली नागमणि का रूप दिया होगा। अपने नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करते हैं, पता लगाते हैं ये कौन है, दबोच के लाते हैं उसको थाने में। केस क्लोज्ड। और आपको क्या लगता है कि इन सारे आइडियाज के बारे में हमने नहीं सोचा होगा? हमें तो भूल ही जाइए, उस मास्टरमाइंड क्रिमिनल ने नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं? ये आदमी आपकी हमारी दोनों की सोच से कई गुना ज्यादा चालाक और होशियार है। हम उसे किस तरह से किस रूट से पकड़ने की कोशिश करेंगे ये वो पहले से सोच कर बैठा है। मगर मैडम सर कुछ तो करना पड़ेगा ना। पुष्पा जी, हमें पहले उसके दिमाग के अंदर घुस के ये समझना होगा कि वो सोचता कैसे है, किस तरह से प्लानिंग करता है, किस तरह से अपने शिकार चुनता है और फिर कैसे उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। एक मिनट मैडम सर, मतलब पहले सोचो, फिर जांचो, फिर परखो, फिर निकलो। इतना पेशेंस आप में ही हो सकता है मैडम सर, किसी अपराधी में नहीं। वो इतने में आधे शहर को लूट कर फ्लाइट पकड़ कर कहीं और पहुंच जाएगा। अगर अपने शिकार को दबोचना है ना, तो उसका सही समय होगा अभी इसी वक्त। इसलिए हम तो जा रहे हैं उसको दबोचने, थाने लाएंगे घसीट कर, तब तक आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। अरे आप यहाँ? जी मैं यहाँ, बस यहाँ पास में दिवाली की मिठाई देने गया था तो सोचा शहर के नंबर वन थाने के सभी स्टाफ का मुंह मीठा कराता चलो, दिवाली की बधाई देता चलो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, उम्मीद करता हूँ मैं गलत वक्त पर नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, अच्छा लगा आप आए। हाँ बहुत सही समय पे आए हैं आप, लेकिन फिलहाल किसी और का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। काफी खराब मूड में गई है, सब ठीक है ना? नहीं नहीं सब ठीक है, वो है ही ऐसी। काफी सीरियस डिस्कशन चल रहा था राइट? आपको कैसे पता? पुलिस वालों ने ड्यूटी के काबिल भले ही ना समझा हो, ट्रेनिंग पूरी शिद्दत से की है, इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूं कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये मिस्टर आनंद है, अम्मी ने भेजा है? नहीं। आपने बुलाया है? 2010 के पुलिस एग्जाम में इन्होंने टॉप किया था, कुछ एक छोटे से आई साइट इशू की वजह से ये ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन आप इन्हें बिना वर्दी का पुलिस वाले ही समझ लीजिए। राइट राइट, लीजिए दिवाली की मिठाई टेस्ट कीजिए। नहीं नहीं शुक्रिया। अरे दिवाली की मिठाई है, रिश्वत थोड़ी है, लीजिए लीजिए। आज आप अपनी रिंग पहनना भूल गए शायद। वो दिवाली है ना तो पॉलिश करने के लिए दी है। अच्छा, काफी काम रहते हैं सब दीपावली पे। लीजिए लीजिए। तो इजाजत दीजिए मुझे। जी शुक्रिया।
करिश्मा सिंह, ये सब क्या हो रहा है? जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, आपको क्या लगता है ये हड़िप्पा हड़िप्पा खेल रहे हैं? नहीं, करिश्मा मैडम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कल रात को ही इन ठगों को उठाया, अंदर कर दिया है। अब जब तक वो अपना बड़ा वाला ठग इसका पता नहीं बताएंगे ना, तब तक ये ऐसे ही टेक ऑफ पोजीशन में रहेंगे। बेशक इनका खुद का टेक ऑफ क्यों ना हो जाए। इन्वेस्टिगेशन का रूल नंबर 2, जिसका पैर जमीन को टच हुआ उसका बगल वाला उस पर टच्ची थप्पड़ लगाएगा। और मुझे देखो, मैंने बस इतना बोला कि ये सब मेरे बिल्डिंग निवास में रहेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा, तो मेरे हाथ में ये पंखा थमा दिया। I hate kind of this insult. मैडम सर, आप देख ही सकती हैं कि हम इनको बहुत टाइम से यहाँ पे ला के रखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़े, हम इनको टच तक नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन हमें ये पता तो चले कि ये लोग हैं कौन। मैडम सर, ये है शहर के नामचीन ठग। बहुत सारी ठगियों को अंजाम दिया इन लोगों ने। ये सबसे पहले वाले घर घर जाकर अकेली हाउसवाइफ को टारगेट करते हैं, उनके सोने की चैन, अंगूठी, कानों की बालियां, सबको पॉलिश का नाम चिपका कर नकली ज्वेलरी से एक्सचेंज करके फिर फरार हो जाते हैं। ये दूसरे वाले भाई साहब अपनी नकली ज्वेलरी को असली बताकर लोगों को बेचते हैं और फिर फरार हो जाते हैं ये भी। और ये तीसरे वाले भाई साहब रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग टिकट वाले यात्री होते हैं उनको कंफर्म टिकट का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठते हैं और फिर ये भी फरार हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े ये लोग ठग करते हैं तो ये हमारे वाले ठग को नहीं जानते होंगे? पर जिस ठग की मैडम बात कर रही हैं वो बहुत होशियार है, उसका नाम भी हम लोग सुने हैं, लेकिन मैडम हमें पता नहीं है उसके बारे में। ये ठीक कह रहा है मैडम, अगर हमें उसके बारे में पता होता तो हम उसे अपना गुरु बनाकर करामती गुण सीख लेते मैडम। करिश्मा सिंह रुकिए, मैडम सर ये रुकिए, आप आइए हमारे केबिन में आइए। बिल्लू, पुष्पा जी, चीता और संतोष को कहिए कि हमारे केबिन में आए। थैंक यू मैडम सर। जल्दी, हमने इस नकली नागमणि को लैब भेजा था ये पता लगाने के लिए कि इस तरह के कांच के टुकड़े कहां, क्यों और किस कारण बनाए जाते हैं। कांच का टुकड़ा? जी, ये कांच का टुकड़ा ही है, शादी में, इवेंट्स में, झूमर पर लगाने में, डेकोरेशन में काम आता है। लखनऊ के हर गली मोहल्ले में करीबन 500 रुपए में मिल जाता है। बार्गेनिंग करेंगे तो 225 में भी मिल जाएगा। नहीं मतलब अब हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके ये पता करें कि ये कांच का टुकड़ा किस झूमर में लगा था, इस झूमर का मालिक कौन है, ये झूमर किस शादी में लगा था, शादी में से किसने इस झूमर को वहां से निकाला था। इतने में अपराधी वर्ल्ड टूर कर वापस आ जाएगा और हम झूमर झूमर खेलते रह जाएंगे। कभी तो हमारी बात शांति से सुन लिया कीजिए करिश्मा सिंह, अगर ऐसा कुछ करने की नौबत आएगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिलहाल हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये नकली नागमणि वो फ्रॉड खुद लेकर आया है या फिर उसने किसी की मदद से अरेंज करवाया है। इसका मतलब डीएसपी सर सही कह रहे थे कि हमें ये केस छोड़ देना चाहिए, ये केस हमारे बस का ही नहीं है। या फिर आप सस्पेंशन के डर से इस केस से पीछे हट रही हैं? लेकिन हमारा ऑफर अभी भी खुला हुआ है मैडम सर, और वो ये है कि आप इस केस का जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। अच्छा, बुरा, सही, गलत, सब हमारा जिम्मेदारी होगा। करिश्मा सिंह, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि पीछे हटने वालों में से ना आप हैं ना हम। जिद पर आ जाएं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, हमारे काम करने के तरीके जरूर अलग अलग हैं, लेकिन एक बार पीछे पड़ जाएं तो मुजरिम को जहन्नम तक नहीं छोड़ते, फिर ये तो हमारी जद में है। इसलिए घबराइए मत, माना कि ये मुजरिम थोड़ा सा चालाक है, इसलिए हम सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। एक रास्ता है इस कॉनमैन तक पहुंचने का। हम उस ठग के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि वो अपने लेफ्ट हाथ की उंगली में अंगूठी पहनता है और उसे बार बार इस तरह से उसे घुमाने की आदत है। हो सकता है कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो। एंजाइटी मतलब तो बेचैनी। हाँ संतु जी, वही जो हमको होता है आपके बिना। उसे पागलपन कहते हैं चीते। हा? अगर इस आदमी को रोजाना एंजाइटी के इश्यूज होते होंगे तो हो सकता है वो इसकी दवाई के लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता हो। हमारे एरिया में इस तरह के स्पेशलिस्ट कितने होंगे? 150? पर जरूरी तो नहीं है ना मैडम सर कि वो किसी डॉक्टर के पास ही जाता हो। बिल्कुल सही, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं भी जाता हो तब भी मेडिकल स्टोर तो जाता होगा दवाई लेने के लिए, और ये दवाइयाँ बहुत चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स में मिलती है जहाँ पर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। इसका मतलब वो फेक प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है इन दवाइयों को खरीदने के लिए, और अगर वो ऐसा करता है फिर तो उसे पकड़ना और भी आसान होना चाहिए।
तो अब क्या करना होगा मैडम सर? सबसे पहले हमें उन चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स पर जाना चाहिए जहां पर इस तरह की खास दवाइयां मिलती हैं। वहां जाइए, पता लगाइए कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस तरह की दवाई खरीदते हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से, स्टोर्स के ओनर्स के डिस्क्रिप्शन की मदद से देखिए कि हम किस पर शक कर सकते हैं। जब भी कोई टारगेट जैसा लगे तुरंत उसके पास पहुंच जाइए। क्लियर? तो पकड़ कर लाते हैं इस ठग को कानून की जद में। क्लियर? लेट्स गेट टू वर्क। यस मैडम सर। इतना भी क्या जल्दी था मैडम, थोड़ा आराम से तो आ ही सकते थे हम लोग। बाल ठीक करो, वो पेपर दो। भाई साहब, ये मेडिसिन मिलेगा आपके पास? जी मिलेगी। ये वही मेडिसिन है, वो एंजाइटी के लिए जो मेडिसिन होता है, वही है ना ये? जी हाँ वही है। कितना लोग आते होंगे आपके पास ये वाला मेडिसिन लेने के लिए? बहुत कम लोग आते हैं मैडम, लेकिन यही आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह की मेडिसिन आसपास कोई और नहीं रखता, सिर्फ हम ही रखते हैं। बहुत बढ़िया, अब जैसा हम कहेंगे ना आप बिल्कुल वैसी कीजिएगा। संतू? हाँ। यहाँ यहाँ पीछे। हाँ बोला आपने? हाँ बोल दिया उसे। क्या बोला? यही कि अगर कोई ऐसी दवाई लेने के लिए आए तो तुरंत इशारा करे। किसको? हमको। ओहो। क्या ओहो? पुष्पा जी, मेडिकल वाला आपको इशारा करेगा ऐसे? कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा, अच्छा लगेगा ऐसे मेडिकल वाला आपको इशारा कर रहा है? पुष्पा जी चुप करो, जड़बुद्धि, कुछ भी सोचती रहती हो तुम। जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ, पता नहीं यहाँ कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। जाओ जाओ। ओके। मार 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 मार। सॉरी मैडम। संतू आया? क्या? वो मेडिकल वाले का कोई मैसेज आया ये पूछ रहे हैं हम। नहीं अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, अब क्या करें? चलो भैया एक और दे दो। अरे 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 भाई साहब, कहाँ चले? मैडम स्टोर तो बंद हो गया है। बंद हो गया? ऐसे कैसे बंद हो गया? ऐसे कैसे मतलब? रोज बंद करता हूँ। नहीं नहीं हम ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, मतलब आपको तो हमने बोला था ना कि आप हमें मैसेज करो, आपको नंबर भी तो दिया था। मैसेज आया संतू? नहीं। बताइए। मैडम घर जाने का टाइम हो गया, वैसे भी आज तो वैसा आदमी कोई आया नहीं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। मैडम कल देखते हैं, मैं चलता हूँ। अब चलो, अब हम भी निकलते हैं। जैन मैडम सर। करिश्मा सिंह बताइए क्या अपडेट है? मैडम सर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं फोन करके। ये दवाई देना जल्दी। जल्दी करो। हाँ लाता हूँ। सुन पैसा लिए? नहीं। जा मैडम। जी एक आदमी आया है, सेम मेडिसिन। हाँ क्या हुआ? दो मिनट। हाँ क्या है कि आपकी वाली दवाई ऊपर रखी है, लड़का उतार रहा है। जल्दी उतरवा। लाया? ए छोटू सुन, ए पुलिस वालों से पैसे नहीं लेता क्या? नहीं। क्यों नहीं लेता? बड़ा होकर मैं भी पुलिस वाला बनूंगा ना, इसलिए। बड़ा होके तू भी पुलिस वाला बनेगा इसलिए। थैंक यू। वो किस लिए? तुम नहीं समझोगे, ये बाल बना के रखा था क्या? डॉक्टर गोपाल। रॉन्ग नंबर, पीछे है जी ये।
ये गलत है, कौन आदमी है बाहर? बाहर अब आओ बेटा, बेटा इधर आना एक बार, जल्दी आओ। तुमने किसी को देखा यहाँ से जाते हुए? कोई यहाँ पे था? वो उधर उधर। मैडम मैडम, अरे भाई मैडम कहाँ गई? मैडम ये सिर्फ गई। नहीं मैडम सर, वो मेडिकल स्टोर वाला ठग का चेहरा नहीं देख पाया, उसने मास्क लगाया हुआ था और वो कोई पुराना कस्टमर नहीं था, वो नया था, पहली बार वहाँ आया था। इसका मतलब हमें और भी होशियार होना होगा। ये जो कोई भी है ये जान चुका है कि पुलिस इसके पीछे पड़ी है, ये और भी चौकन्ना हो चुका है। हो सकता है कि वो शहर से भागने की प्लानिंग कर रहा हो। एवरीबडी बी ऑन हाई अलर्ट, हम कोई गलती नहीं कर सकते। क्लियर? यस यस मैडम। हो गई गलती हसीना मलिक, मैंने ही अंडर एस्टिमेट किया तुम्हें। मैं जानता था तुम बहुत बहुत शार्प ऑफिसर हो, लेकिन इतनी तेज निकलोगी ये नहीं सोचा था। मतलब मेरी इतनी छोटी सी एंजाइटी प्रॉब्लम से तुम मेरे इतने नजदीक आ गई। मजा आएगा तुम्हें और उन सबको जो तुम्हारे साथ साथ मेरे पीछे पीछे मेरे इतने करीब आ गए। अब इतनी बड़ी गलती की है तुमने जिंदगी की, उसका हर जाना तो देना पड़ेगा। इस होशियारी की कीमत चुकानी होगी, अब वो होगा हसीना मलिक जो तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। सब खत्म हो गया, अब हमको लगता है कि हमारा हॉस्पिटल बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारा भी आखिरी मौका था, मार्केट से पैसे उठा के उस ठग को दिए थे। सोचा था कि लॉकडाउन के बाद अपने मरते हुए बिजनेस को बचा पाऊंगा, लेकिन सब खत्म हो गया। अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। क्या नहीं बचा? रास्ता। कोई रास्ता नहीं बचा। अमर टोपा होगा तुम, अगर मरना ही सोल्यूशन होता तो आधी दुनिया ना खत्म हो जाती। तुम तो निकल लोगे, पीछे से तुम्हारी फैमिली का क्या, जिनको तुम जीते जी मार जाओगे? थोड़ा सा लाइफ ने झिझोड़ाने की बस खिल गई। देखिए हम जानते हैं कि इस अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है और ये अपराधी बहुत चालाक। सच बताएं तो हम ये भी नहीं जानते कि अब आगे करना क्या है, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, जब तक हमारे शरीर पर ये वर्दी है तब तक हम जुर्म के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक ये थाना है यहाँ रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। घबराइए मत, इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे। भरोसा रखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैडम सर अब आगे क्या करेंगे? फिलहाल पता नहीं। अच्छी जगह है, यहाँ पर तो सब कुछ हो जाएगा और वो भी बहुत ही आराम से, है ना? जी जी, आप कौन? साइड में बैठो। यहाँ पर होगा हमारा बड़ा सा आलीशान हॉल और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हम रखेंगे अपना किचन और राइट साइड पर यहाँ नॉर्थ में ना दरवाजा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में दरवाजा होना शुभ होता है। हाँ। और अब बच्चों के बेडरूम का क्या करें? बच्चों के बेडरूम का क्या करें? एक आइडिया है, हाँ वहाँ पर करते हैं लिट्टू का बेडरूम, वहाँ उसके बगल में टिटू का बेडरूम और वहाँ पर पूरा खानदान लेके शिफ्ट होने वाली है क्या? और नहीं तो क्या, आधा खानदान थोड़ी ना लेके आएंगे, पूरा खानदान लेगा। अरे अब भी तो कुछ बोलिए ना, आप भी बोलेंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मेरी राय में बिल्कुल सही कहा।
ये वाला जो एरिया है ना, इसे हम कट्टू के लिए रख देंगे, और जो ये है ना, ये लॉकअप, इसको तोड़ फोड़ के एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देंगे, है ना? ये खबरदार, मेरे बिल्लू निवास की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो लाशें बिछा दूंगा। हाँ, हमें तो बोला गया था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। ओ मैडम, ओ क्या क्या चल रहा है ये? हाँ, टीटू का बेडरूम, उसका वॉशरूम, उसका स्विमिंग पूल, हमको समझाएंगे क्या समस्या क्या है ये? हम यहाँ जगह देखने आए और अपने आर्किटेक्ट को साथ में लेके आए ताकि उसे समझा सके कि कौन सी चीज कहाँ पर तोड़े। मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, ये हॉल में ना हम लोग सीलिंग तोड़ के एक कांच का सीलिंग फिट करते हैं जो डे में सनलाइट देगा और नाइट में मूनलाइट देगा। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल सही। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है आप लोग? क्यों, इस जगह के ओनर ने आपको बताया नहीं? नहीं बताया ना, अगर बता दिया होता तो आपकी स्वागत की तैयारी करते। पुष्पा जी एक मिनट, क्या नहीं बताया हमें ओनर ने? अरे ये जगह हमने पूरे 1,07,00,000 में खरीद ली है। कौन है आप लोग? क्या हो रहा है ये? अरे ये जगह हमने पूरे 1,07,00,000 में खरीद ली है। ये कैसे हो सकता है? नवाब साहब ने हवेली बेच दी? अरे कम से कम हमें इत्तला तो कर देते। हमें भी नहीं कहा, हम सबको नहीं कहा। कह दो कि ये झूठ है। ये काटता तो नहीं है? लग रहा है। बिल्लू तुम चुप रहो, और नवाब को तो हम देखते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मैसेज के कैसे हवेली बेच सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे? आप संतु, तुम फोन लगाओ नवाब साहब को, बात करते हैं उनसे। जी मैडम। हम लगाएं क्या फोन? वो लगा रही है। हाँ। पुष्पा जी, हाँ आ गए नवाब। अबे हमने अपनी हवेली बेच दी और हमको खबर नहीं। कौन है वो कमजोर ये कह रहा है कि मैंने अपनी हवेली बेच दी? आपका कहने का मतलब है कि आपने हवेली नहीं बेची? अरे कमाल बात करती हैं आप। अरे हम क्यों बेचेंगे? इस हवेली को हमारी बेगम बहुत पसंद करती थी और बड़ी सुंदर सुंदर यादें जुड़ी हैं इससे, और कुछ बननी है। नवाब साहब एक मिनट, आप लोग प्लीज यहाँ आइए। आपने इन्हें हवेली नहीं बेची? अरे हरगिज नहीं, अरे पहली बार जिंदगी में हम इनकी सूरत देख रहे हैं। आपने इनसे हवेली खरीदी थी? बिल्कुल नहीं, इन्हें तो मैं पहली बार देख रही हूँ। एक मिनट, ये खड़े हैं हवेली के मालिक और ये खड़े हैं हवेली के खरीदार। आपने इनको हवेली नहीं बेची, आपने इनसे हवेली नहीं खरीदी, लेकिन हवेली बिक चुकी है, ये क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपने हवेली किससे खरीदी? हवेली के मालिक से। अरे पुष्पा जी, अरे वो मैं हूँ। नहीं हम हैं, 1,07,00,000 देके। किसको? हवेली के मालिक को। अरे कितनी बार बोलूं कि हवेली का मालिक मैं हूँ। मेरा बिल्ली निवास, मेरा बिल्ली निवास। चुप कर। पुष्पा जी, यहाँ हमारी खानदानी हवेली जो है फिसली जा रही है और इसको जो है ना अपनी ही पड़ी हुई है। मैडम आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ है कि आपने हवेली खरीदा है? हाँ बिल्कुल है, ये लीजिए पेपर्स, इसे साफ साफ लिखा है कि हवेली के नए मालिक हम हैं। ये क्या है? क्या हुआ मैडम सर? विटनेस की जगह पर हमारा और करिश्मा सिंह का नाम लिखा है। क्या हमारा? ये क्या कह रही हैं आप? जी देखिए, हूबहू सिग्नेचर भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। पता नहीं कौन है उसकी मैया की सासू मैया ये। ओहो, अब समझा, ये आप चालबाजी कर रही हैं, हैं? ये फर्जी खरीदारों को खड़ा करके आप हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं, हैं? ये नहीं होने देंगे हम। नवाब साहब ये अब क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, आप लोग हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं। ये हवेली हमारी है, कुछ बोलोगे भी की सारी बातें मैं ही करूँ। हाँ मेरी राय में तो मेरा बिल्लू निवास। अब चुप करो बिल्लू। हम ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन हवेली की ईंट नहीं हिलने देंगे। अरे कानून हम भी जानते हैं, आपके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे और आप सबको ना हम कोर्ट में घसीट के लाएंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बार और सुन लीजिए,
ये हवेली तो रहेगी लेकिन थाना नहीं रहेगा। समझे ना, तैयार हो जाइए आप लोग। नवाब साहब लेकिन मेरा बिल्लू रिवाज। समझाया था ना, इस केस के पचड़े में मत पड़िए। अरे इस केस का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस केस के पीछे जो भी पड़ा सस्पेंड हो गया। ये केस ही नहीं लिया, इस केस को इतना पर्सनली ले लिया कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है। मेरा बिल्ली दीवार, मेरा बिल्ली दीवार। लेकिन सर ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। बात आप लोगों के गुनाहगार या बेकसूर होने की नहीं है, बात इस थाने की मान सम्मान की है, बात है इस थाने की प्रतिष्ठा की, जिसे आप लोगों ने इतनी मेहनत और मशक्कत से हासिल किया था। लोग इस थाने पर भरोसा करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे, आप लोगों की ओर इंसाफ के लिए देखने लगे थे, लेकिन इस बवाल के बाद आप लोग सस्पेंड हो जाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी इस थाने की और आप लोगों की? सर अगर हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे तो पिछले महीने का पगार मिलेगा ना? समझ गए मैडम, सॉरी। सर ये जो पेपर है ना, ये जाली है। हम आपको साबित करके दिखा सकते हैं कि ये सब। करिश्मा सिंह, हम जो समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए ना। आप जो कह रही हैं वो तो होते होते होगा, कोर्ट का ऑर्डर आते आते आएगा, लेकिन तब तक प्रोटोकॉल के हिसाब से इस थाने को सील करना होगा और आप सभी लोगों को सस्पेंड करना होगा। सर सस्पेंशन के बाद मैं क्वार्टर में रह सकती हूँ कि नहीं? बिल्लू निवास में नहीं रह सकता, आप क्वार्टर में कैसे रह सकती है? सर सर एक बात करनी थी आपसे। कहिए पुष्पा जी। पता नहीं आज कैसे हमें लगा था कि आप जरूर आएंगे, तो हम राजमा चावल बनाकर लेकर आए हैं। पुष्पा जी आज हम बहुत गुस्से में हैं। ओहो, तो मतलब आपका मन नहीं है आज राजमा चावल खाने का? कोई बात नहीं। ऐसा हमने कब कहा कि हम राजमा चावल नहीं खाएंगे? हमने कहा हम गुस्से में हैं, जाकर टिफिन लाइए, हम हेडक्वार्टर जाकर खाएंगे। अभी लाते हैं सर। जानते हैं आप लोग, हमें इस थाने से बहुत लगाव है। कायदे से तो इस थाने से लगाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा अच्छा बना के खिलाया, इस वजह से हमें। पुष्पा जी। हाँ आए सर, आए सर। आप लोगों को 48 घंटे का समय दे रहे हैं, 48 घंटे में इस केस को सॉल्व कीजिए, उस ठग को गिरफ्तार कीजिए और इस केस को साफ कीजिए। या तो फिर इस थाने को अपने आंखों के सामने बंद होते देखिए, या फिर अपने सस्पेंशन के लिए तैयार रहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। हद होती दीदा दिलेरी की, थाना भेज डाला मतलब? मैया कसम वो ठग हमारे हाथ में आ गया ना, उसको ऐसा निचोड़ के बाहर सुखा देंगे ना कि हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है। चाय। हाँ तो दो ना, सर पे क्या खड़े हो बेताल के जैसे, दो चाय। बरखुदार आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय लेकर आया हूँ ताकि आपका मूड ठीक हो सके। ये चाय है? जी मैडम। ये चाय है तो नीम का काढ़ा किसको कहते हैं? उसमें नीम के पत्ते पड़ते हैं मैडम। उफ, ये मां सॉरी सॉरी। इसे लेकर जाओ और दूसरा चाय लाओ। बतना हेलो, क्या जबलपुर पुलिस थाना में लॉकअप खाली है? नहीं नहीं सुन सुन सुन, रिक्वायरमेंट देख क्या है। अच्छा वो खिड़की से व्यू कैसा है? खिड़की नहीं चाहिए, सब अंधेरा अंधेरा चाहिए, एकदम काला काला, इतना काला कि उस काले में हम भी ना दिखे। नहीं मेरा थाना तो खत्म, वो बिक गया ना, इसीलिए तो दूसरे थाने में मैं अपना बिल्लू निवास ढूंढ रहा हूँ। और सुन, इन बेचारों के लिए भी कोई थाना हो तो बता देना। हाँ छोटा मोटा एडजस्ट कर लेंगे। हाँ होल्ड। यस आई कॉल बैक यू। पता है बिल्लू तुम्हें किसका गुस्सा किस पर निकल रहा है? आपका?
उस ठग को पकड़ नहीं पाई ना, इसलिए उसका गुस्सा गरीब बेचारे मासूम लोगों पर निकल रहा है। नहीं 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 पुष्पा जी, आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आज हम पके हुए हैं, हमारा ना मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, इसलिए आज डिस्टेंस मेंटेन। पुष्पा जी, कल तक वैसे भी सस्पेंशन मिल जाएगा हमें, अब घर पे जाके आराम से भड़ास निकाल लेना। क्या इसमें गलत क्या है, ये जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। देखिए पुष्पा जी, अपना ना टोन संभालिए आप, ये जो बात बात पे आप भूल जाती है ना कि हम थाने में हैं, ये सास वाला टोन यहाँ मत लाइए आप, वरना वरना क्या, वरना लाइन हाजिर कर देंगे, फजीहत हो जाएगा जान का। आप हमें धमकी दे रही हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। वैसे भी हम दो दिन में सस्पेंड होने वाले हैं, फिर घर पर ही रहेंगे, वहाँ हम आपकी सीनियर है ये मत भूलिएगा आप। पुष्पा जी यही कह रही थी मैं, लेकिन यहाँ हम सीनियर है ये मत भूलिए आप। तुम चुप करो, बस कीजिए आप लोग जल्दी। ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। हमारे पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं, इसलिए फिलहाल हम उस ठग को कैसे पकड़ेंगे ये सोचे तो बेहतर होगा। देखिए आप, लगता है मैं फिर से गलत वक्त पर आ गया। नहीं नहीं, आप बहुत सही वक्त पर आए हैं, हमें पता नहीं था ना गेस्ट आने वाले हैं तो माहौल नहीं बिगाड़ते हम। हमें पता होता कि आप वापस से मिठाई लेकर आए हैं, वैसे पिछली बार तो आप दिवाली की मिठाई लाए थे, इस बार क्या एडवांस में क्रिसमस का मिठाई लाए हैं? रिपोर्ट लिखाने आए हैं, बाहर मार्केट है ना, वहाँ मेरा पर्स गिर गया, उसमें मेरे आई कार्ड और कुछ जरूरी कागजात हैं, तो यहाँ मदद मांगने के लिए चला आया। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरे थाने में देख लूंगा। नहीं नहीं माफ कीजिए, हम दरअसल किसी और केस को लेकर थोड़े परेशान हैं। कॉनमैन वाले केस को लेकर परेशान है ना आप सब? ये बात आपको कैसे पता? जाहिर सी बात है, थाना बंद होने जा रहा है, आप लोग सस्पेंड होने वाले हैं, हर जगह इस केस की चर्चा हो रही है। खैर अगर इस केस में मेरी मदद चाहिए तो प्लीज बताइएगा। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ अपने केस खुद सॉल्व करने के लिए सक्षम है, इसलिए आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपने ट्रेनिंग लिया है ना, आप पुलिस नहीं है, इसलिए सरकारी काम जो है ना उससे आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए, हम ये केस खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके काम में दखल नहीं दे रहा हूँ। SHO करिश्मा सिंह, एक मदद की पेशकश की थी, अगर आपको मेरी पेशकश अच्छी नहीं लगी तो मैं माफी चाहता हूँ। और रही बात मेरे पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने की, तो इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है। आपके डिपार्टमेंट ने एक काबिल अफसर खो दिया जो आपके डिपार्टमेंट का और इस देश के काम आ सकता था। अगर मैं इस जगह तैनात होता ना तो ये नौबत कभी आने ही नहीं देता, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो उस ठग के बारे में मैं वैसे नहीं सोच रहा होता जैसे पुलिस उसके बारे में सोच रही है, मैं वैसे सोच रहा होता जैसा वो ठग पुलिस के बारे में सोच रहा। दिमाग को कभी बल से मात नहीं दिया जाता करिश्मा सिंह, याद रखिएगा। चलते हैं। क्या लग रहा है संतोष जी, किस उधेड़बुन में उलझी हुई है मैडम सर? प्लानिंग चल रही है चीती। कैसे प्लानिंग? कैसा राक्षस आदमी। सुनो मैडम सर जानती है कि अभी सबकी नौकरी जाने ही वाली है, तो क्यों ना शादी करके सेटल हो जाए। सुनो तो सही पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी ने मैडम सर को फोटोज भेजे लड़कों की, मैडम सर शॉर्टलिस्ट कर रही है, उन्हीं में से किसी एक के साथ अपना घर बसा लेंगी। संतु जी वह क्या दूर की कौड़ी है आप, मतलब क्या मस्त आइडिया पता चला आपको, आप ऐसा कहे नहीं सोचती है। कोई अच्छा लड़का मिले तो ना चीते। पानी पीलू जी। जहर। दंत राक्षस, ज्यादा ना मुंह मत फाड़ो, हमारा तो खाली नौकरी जाएगा, तुम्हारा तो आसियाना उजड़ने वाला है बाबू। ले ले ले। मेरे बिल्कुल निवास पे रह घर मेरा आसियाना। हो गया आप लोगों का। करिश्मा जी कहाँ? वो रिकॉर्ड रूम में है। अच्छा बुलाइए उन्हें और चलिए जरा चाय पी कर आते हैं। चाय जी? आइए आइए। थैंक यू। पुष्पा जी कितना टाइम बचा है? तकरीबन 40 घंटे।
अब हमें जो कुछ भी करना है इन्हीं 40 घंटों में करना पड़ेगा मैडम सर। वैसे तो हम इस बात का जवाब जानते हैं, फिर भी आप सबसे एक बार पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग हैं हमारे साथ? यस मैडम सर। ग्रेट, तो ठीक है, हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। करिश्मा सिंह, आपका काम होगा शहर में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर वो दवाई पहुँचनी चाहिए जो हमें डॉक्टर विकास ने बताई, ताकि हमारा टारगेट जब भी अपनी एंजाइटी के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर जाए तो उसे हमारी दवाई मिलनी चाहिए। क्लियर? मैडम सर, मेरी नजरों में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं। कौन मैन को पहले दवा देकर उसकी बीमारी ठीक करेंगी, जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद उसे पकड़ेंगी। मेरा सवाल ये है कि हम डायरेक्ट उसे दवा देकर उसे ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? उसके लिए ये प्लानिंग, मिशन, ये सब क्यों? व्हाई? उफ़, ये मासूमियत। संतु जी, आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेती है ना। चुप करो। और तुम जड़ बुद्धि, हम दवाई देकर उस ठग का इलाज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम सर, आप बताइए आपका प्लान क्या है। थैंक यू पुष्पा जी। करिश्मा सिंह, यस मैडम, आप अपने सारे नेटवर्क्स एक्टिवेट कीजिए एंड मेक श्योर कि अगले 40 घंटों तक सिर्फ और सिर्फ हमारी दवाई हर मेडिकल स्टोर पर मिलनी चाहिए। हम दवाई का नाम आपको मैसेज कर रहे हैं। तो मैडम सर, उससे क्या होगा? आप करिए, तो भरोसा रखिए, हम आपको बाद में बताएंगे। जय चीता, उस डॉक्टर का नाम क्या है जिन्हें वो नागमणि बेची गई थी? डॉक्टर प्रवीण कुमार। बुलाइए उन्हें। जी मैडम सर। अरे वो होती है ना इच्छाधारी नागिन, कभी भी कोई भी रूप ले लेती है, ऐसे ऐसे ही जीभ निकालती है, लहराती है। समझी नहीं कुछ। एक सेकंड पुष्पा जी, हम समझाते हैं। अरे लहराती है। हाँ, ऐसा कुछ सुना था मैंने, है ना? हाँ, वो लहराती है, मेकअप वगैरह करती है, और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी होती है ऐसी, हरी हरी, और आंखों में बहुत सारा काजल भर के रखती है। अरे डॉक्टर साहब, आई आई, बैठिए बैठिए। अरे सर, आप इधर बैठ जाइए, हम इधर बैठ जाते हैं। जी हाँ, बैठिए। आप जो हमको फोन पे कह रहे थे ना, हमको समझ नहीं आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं क्या है। लगे कैसी चल रही है तैयारियां? हाँ हम तैयार कर रहे हैं। गुड गुड, आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग कंटिन्यू रखिए, आप हमारे साथ आइए। जी मैडम सर। हमें लगता है कि आनंद सही है। आपको भी यही लगता है कि अगर आनंद ने फोर्स ज्वाइन किया होता तो वो हमसे काबिल होता? नहीं, बात यहाँ काबिलियत या ना काबिलियत की नहीं है, बात सही होने की है। और इस मामले में आनंद सही है कि हम उस शातिर ठग की तरह सोचने में एक कदम कहीं पीछे रह गए। मैडम सर, मेहरबानी होगा कि आप साफ साफ हमें बताएं, क्योंकि गोल मोल बातें हमको समझ में नहीं आता, हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। कुछ सोचा है हमने, उस पर काफी रिसर्च भी की और एक डॉक्टर से बात भी की है। ये देखिए, एक खास तरीके की दवाई होती है जिसका इस्तेमाल करने से इंसान को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, मति भ्रम, दिमागी वहम। पता है मैडम सर। ओके, इस दवाई का डोसेज इतना कम होता है कि इससे किसी भी तरीके का शारीरिक या मानसिक खतरा बिल्कुल नहीं है। इस दवाई का इस्तेमाल करते ही कुछ देर के लिए इंसान को वो सब दिखाई देने लगता है जो दरअसल है ही नहीं। असलियत और भ्रम के बीच का फासला खत्म होने लगता है, और हमें अपने शातिर ठग के साथ यही करना है। असलियत और भ्रम का ऐसा भंवर तैयार करना है जिसमें वो उलझ कर रह जाए। वो कैसे मैडम सर? हमारे टारगेट की परेशानी क्या है, ये कि जब उसके एंजाइटी इश्यूज, उसकी बेचैनी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता बिना दवाई के। और दवाई उसे कहाँ मिलेगी? मेडिकल स्टोर पर। हमें बस इतना करना है कि हमारे आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर एंजाइटी की दवाई की जगह वो दवाई पहुंचानी है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। उससे अच्छा ये नहीं होगा मैडम सर कि उस मेडिकल स्टोर पे हम निगरानी रख ले और अगर ऐसा कोई दवाई लेने कोई आए तो उसको वहीं धर ले? क्या है ना करिश्मा सिंह, हमारे पहले प्लान की कामयाबी की वजह से अब वो खुद दवाई लेने वहां आएगा नहीं, वो जरूर किसी और को भेजेगा। तो अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार आदमी जरूरत से ज्यादा डरा हुआ भी होता है। उसे हर पल ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी कोई एक लापरवाही उसे लेना डूबे। हमारा ठग भी कोई अपवाद नहीं है, हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे।
अब हम उसके डर को हथियार बनाकर उसे पकड़ेंगे और इस काम में हमारी मदद करेगा ताजी खबरों का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। तो आइए आज हम सब स्वागत करते हैं अपने लाइव सेशन में डॉक्टर प्रवीण का जो अपने साथ हुई बड़ी दिलचस्प घटना के बारे में हम सबको बताएंगे। जी प्रवीण जी बताइए। हाँ हम पुलिस कंप्लेन वापस ले रहे हैं क्योंकि पहले हमें लगता था कि हमारे साथ ठगी हुई है और उसके बाद हमें इस नागमणी के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। हम ही तो बनाए थे। तो डॉक्टर ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया और अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले ली? क्योंकि पहले मुझे लगा था कि मुझे धोखा दिया गया है लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैडम सर जितना कुछ बोल रहे हैं ना सब हम सिखाए हैं अपने पर्सनली बैठा के ए टू जेड सब सिखाए हैं। ऐसा क्या हुआ कल रात को? कल इस मड़ी से सफेद रंग की रोशनी निकली और हिम्मत करके जब हम आगे गए तो देखा। क्या देखा? नागिन, खूबसूरत नागिन निकली इस नागमड़ी से। पहले तो हमें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, हमको ऐसा लगा कि हम अपने दोनों आंखों से सपना देख रहे हैं लेकिन वो थी, वो सच में थी हमारे सामने साक्षात। संतोष जी ये प्लान सक्सेस होगा ना मेरा बिल्लू निवास बच जाएगा ना? चिंता मत कीजिए बिल्लू जी, आप तो फुटपाथ पे भी रह सकते हैं ना। लेकिन एक शर्त थी उसकी, जिसके पास वो नागमणी होगी वो उसे डस लेगी और मार देगी। यही नागलोक का सिद्धांत है, जिस किसी के पास वो नागमणी होती है नागिन के आंखों में उसकी तस्वीर आ जाती है और जब तक नागिन डस कर उसकी जान ना ले ले तब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। बकवास कर रहा है, चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये सब सुन के आपको डर नहीं लगा डॉक्टर? डर लगा ना, बिल्कुल लगा, लेकिन हम भी बहुत समझदार आदमी हैं। हमने इंटरनेट की सहायता ली और पूछा नागिन के प्रकोप से कैसे बचे, तो हमको पता चला कि जब तक नागमणी हमारे साथ है नागिन भी कुछ नहीं कर सकती हमारा, लेकिन जैसे ही वो नागमणी हमारे पास से जाएगी वो नागिन हमको ढूंढ के मार देगी। ये वाला लाइन भी हमें सिखाए थे मैडम। आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं, दिस इज 2020, आजकल तो लोग इन बातों पे मजाक बनाना भी आउटडेटेड समझते हैं और हमारी जनता काफी स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है। आई डोंट थिंक कि वो इन सब बातों को एक्सेप्ट करेगी या डाइजेस्ट कर पाएगी। नागिन, नागमणि, बदला, आई मीन कौन विश्वास करेगा इन सब बातों का? देखिए हम भी एक डॉक्टर हैं और अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। अब आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। पर डॉक्टर आपको इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत है भी या नहीं? सबूत है ना, आज रात वो हमसे मिलने आ रही है। किसने तुम्हारी बीन बजा दी जो तुमसे मिलने आ रही है? तो हम तो कहते हैं कि आप अपने रिपोर्टर दोस्तों को भी बोल दीजिए तो वो आ जाएंगे और सारा सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा, तो हमारी जनता को आपके सबूत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैडम सर आपको लगता है ये ठगी इस तरीके के झांसे में आ जाएगा? आप ही तो कह रहे थे वो बहुत चलाक है, वो बहुत शातिर है, तो उसको ये चलाकी समझ में नहीं आएगा? वो झांसे में जरूर आएगा क्योंकि हम उसके साथ वही कर रहे हैं जो वो लोगों के साथ करता आया है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कर्तव्य। याद है क्या कहा था हमने, जितना ज्यादा होशियार उतना ज्यादा डरपोक। उसका डर उसे यहाँ खींच कर लेके आएगा और अगर वो नहीं भी डरे तब भी क्यूरियोसिटी उसे यहाँ लेकर आएगी। पक्का? पक्का।